नीतू कपूर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की फोटो शेयर की थी और साथ में कैप्शन लिखा था एंड ऑफ अवर स्टोरी और साथ में हार्ट की इमोजी बनाई थी। नीतू कपूर की इस पोस्ट पर कमेंट किया है उनकी बेटी रिद्धिमा ने। ये तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे और 30 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अंतिम संस्कार पर उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि वो दिल्ली में थी और दिल्ली से उन्हें मुंबई बाय कार आना पड़ा और उन्हें आने में काफ़ी देर हो जाती, इसलिए बिना रिद्धिमा कपूर के उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बात आपको बता दें, आलिया भट्ट ने ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में वीडियो कॉलिंग के जरिए रिद्धिमा कपूर को उनके पिताजी के अंतिम दर्शन करवाए थे, लेकिन एक बात का गम तो हमेशा रिद्धिमा को ज़रूर सताएगा कि लॉकडाउन के चलते हुए वो अपने पापा के अंतिम संस्कार पर नहीं पहुँच पाई। लेकिन ऋषि कपूर के जाने के बाद अब नीतू कपूर ने एक पोस्ट शेयर की है सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की फ़ोटो शेयर की है और साथ में कैप्शन लिखा है एंड ऑफ अवर स्टोरी और इस पर अब कमेंट किया है नीतू कपूर और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने। कमेंट के द्वारा हार्ट वाली इमोजी बनाकर शेयर की है क्योंकि रिद्धिमा जानती है उनके पापा हमेशा सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। एक बात आपको बता दें, ऋषि कपूर और नीतू कपूर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे और जब से ऋषि कपूर बीमार थे तभी से नीतू कपूर ऋषि कपूर के साथ उनके साये की तरह रहती थी। जब वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराने न्यूयॉर्क गए थे तो नीतू कपूर उनके साथ न्यूयॉर्क गई थी और हर समय नीतू कपूर ने ऋषि कपूर का साथ दिया। लेकिन अचानक से ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ना और अब उनका इस दुनिया से चले जाना कहीं ना कहीं नीतू कपूर को काफ़ी परेशान करता है, इसलिए उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर की थी। इसीलिए रिद्धिमा ने अपनी मम्मी की पोस्ट पर हार्ट वाली इमोजी शेयर की है क्योंकि वो चाहती हैं उनकी मम्मा अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताएं।